ओम शांति। 3 मार्च साकार मुरली। मीठे बच्चे, खेवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो, जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति।